आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का साथी। अन्वेषक न्यूज पर बड़ी खबर, अन्वेषक नवीनीकरण विद्यालय प्रथम चरण पूर्ण, द्वितीय चरण जल्द शुरू होगा। अन्वेषकों को 11 मार्क के लिए मिली सिर्फ 10 CL, 10 CL यानी 10 आकस्मिक अवकाश। खबर विस्तार से, खास खबर, आज हम बात करेंगे अन्वेषक न्यूज पर अन्वेषक नवीनीकरण अनुबंध प्रथम चरण के बारे में। लेकिन छोटा सा निवेदन, अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश को द्वारा ये ट्वीट किया गया है और इसमें साफ साफ लिखा है, अंशकालिक अन्वेषकों का नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण की प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग सा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विभाग केंद्र टीम, वरिष्ठ विशेषज्ञ स्कूल शिक्षा एवं विशेषज्ञ गुणवत्ता समग्र शिक्षा एवं तकनीक सहयोग हेतु सीनियर सिस्टम एनालिस्ट समग्र शिक्षा लखनऊ आदि का सहयोग लिया गया है। नवीन विद्यालयों के लिए संविदा अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण के अंशकालिक अन्वेषकों निक द्वारा विद्यालय पर आवंटित कर दी गए और सूची अपलोड कर दी गई है, पोर्टल पर प्रकाशित कर दी गई है प्रथम चरण के अन्वेषकों की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, साफ साफ डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर उजागर किया है। दूसरा ट्विटर हैंडल है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन का, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से कुल 831 पुरुष एवं 996 महिला अंशकालिक अन्वेषकों का नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण हेतु विद्यालय आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। तो साथियों, आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि द्वितीय चरण का भी जो कार्यक्रम है वो जल्द ही शुरू किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के द्वारा। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखें, साइट प्रॉपर तरीके से काम ना करने के कारण ये विलंब हो रहा है। जल्द ही द्वितीय चरण के आवेदन लिए जाएंगे पोर्टल के माध्यम से अन्वेषक नवीन विद्यालय अनुबंध एवं नवीनीकरण के लिए। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कुछ चैनल अन्वेषकों को भ्रमित कर रहे हैं ट्रांसफ़र का पता कर, ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, आप सभी जानते हैं ये ट्रांसफ़र नहीं है, ये नवीन विद्यालयों के लिए अनुबंध नवीनीकरण है। क्योंकि जिन विद्यालयों में सरप्लस अन्वेषक हैं उसमें छात्र संख्या पूर्ण करने के नहीं होने के कारण उनको दूसरे विद्यालयों में भेजा जा रहा है। इससे काफ़ी अन्वेषकों को मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि अभी उनके विद्यालय करीब थे, अब वो दूर हो चुके हैं, विद्यालय दूर हो गए हैं। द्वितीय चरण में भी शायद कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। साथियों, अन्वेषकों के साथ समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी साथ शिक्षा विभाग ने एक और फरमान जारी किया है अन्वेषकों के लिए, जो कि बड़ा ही दुखदायी है। 11 मंथ के कार्यकाल में उन्हें सिर्फ 10 आकस्मिक अवकाश दिए जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। इसी के साथ जो सहायक अध्यापक या शिक्षा मित्र हैं उनके लिए, सहायक अध्यापकों के लिए 14 और शिक्षा मित्रों के लिए 11 CL हैं, लेकिन अन्वेषकों के लिए मात्र 10, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। ये थी खास खबर, मिलते किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।